खबर मार्केट में आई है। फैंस इसकी खबर सुनकर ही बेहद खुश है। और जैसा कि आप भी जानते हैं कि इस फिल्म में लीड रोल में हमें नजर आने वाले यश, जिन्हें सिर्फ साउथ इंडस्ट्री के लोग ही नहीं बल्कि हर कोई जानता है। और ये भी आपको पता है कि केजीएफ के पार्ट वन ने ही तहलका मचा दिया था, जिस कारण डायरेक्टर को इसके सीक्वल के साथ आना पड़ा। और केजीएफ के पार्ट वन ने ही बंपर कमाई की थी, तो इसमें तो लाजमी सी बात है कि इसकी दूसरी पार्ट भी अच्छी कमाई करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो ऐसे में कोई भी केजीएफ 2 के साथ पंगा नहीं लेना चाहता। इतना ही नहीं बल्कि कोई भी अपनी फिल्म की डेट भी केजीएफ 2 के अगल बगल नहीं रखना चाहता है। और ऐसे में एक खबर आई है जो हमें ही नहीं बल्कि आपको भी शॉक कर देगी। जी हाँ, ऐसे में ट्रेड एनालिस्ट अरुण आदर्श का कहना है, इनफैक्ट उन्होंने एक ट्वीट शेयर किया है जो कि लाल सिंह चड्ढा के मेकर्स द्वारा लिखा गया है। इस नोट में लिखा है कि लाल सिंह चड्ढा 14 अप्रैल यानी कि बैसाखी के दिन ही रिलीज होगी। और ये तो आप भी जानते हैं कि लाल सिंह चड्ढा काफी सालों से शुक्रियों में। इतना ही नहीं बल्कि अगर हम बात करें फैन फॉलोइंग की, यानी कि सुपरस्टार आमिर खान के फैन फॉलोइंग की, तो वो तो किसी से कम नहीं है। लेकिन जब ये मेकर्स ये भी चाहते थे कि केजीएफ 2 भी इसी दिन रिलीज होनी है, तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? और कहां केजीएफ 2 और कहां लाल सिंह चड्ढा? और केजीएफ 2 एक पैन इंडिया लेवल मूवी होने वाली है, जिसे सिर्फ बॉलीवुड के लोग ही नहीं बल्कि देश के हर कोने में लोग इसे देखने वाले हैं। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि सुपरस्टार आमिर खान ने मीडिया में चल रही तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए ये चीज कंफर्म कर दिया है कि लाल सिंह चड्ढा की रिलीज डेट में कोई भी बदलाव नहीं होगा। जहां पहले वो इसकी रिलीज डेट को शिफ्ट करने का सोच रहे थे, लेकिन अब उन्होंने मन बदल लिया है। बल्कि इतना ही नहीं, उन्होंने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी जारी किया जिसमें उन्होंने कहा है कि इसकी रिलीज डेट में कोई भी बदलाव नहीं होने वाला है। और हमें ये तो पता ही चल गया कि तरुण आदर्श के ट्वीट के बाद ये तो और भी कंफर्म हो गया है। तो ऐसे में दोस्तों जल्दी से चाहिए और बताइए हमें कमेंट सेक्शन में कि आपको किस मूवी का वेट है। और जाते जाते हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, और हमारे चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले।